आज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक रियल लाइफ कपल है और इनकी जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अमृता राव एंड आर्य अनमोल। Hello, how are you? I'm good, please. Thank you. है ना कमाल का कपल, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा देख करके अभी अभी हनीमून से वापस आए हैं। न्यूलीवेड। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यू नो हमारे देश में और भी बहुत बड़े बड़े शोज हैं जहाँ ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है, सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाया जाता है, बट मैं दिल से कह रही हूँ मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि अगर पहली बार अनमोल और मैं एक साथ किसी ऐसे शो में आए हैं हमारे YouTube चैनल कपल ऑफ थिंग्स को लेकर, तो वो नन अदर देन संदीप महेश्वरी। थैंक यू सो मच। If I'm not wrong, मैंने सुना है आपका शो रेट्रो करके कुछ है ना? मैंने पहले पुरानी जीन्स नाम का एक शो शुरू किया। पुरानी जीन्स, उसमें पुराने सॉन्ग्स होते थे और यस यस। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी आज की जनरेशन है जिसे कहते हैं जेन जी एंड द मिलेनियल्स, वो भी ये शो सुने, क्योंकि हम गानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया। तो ये सब बातें जब जहन में बैठ जाती हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और बाकी थोड़ी बहुत जो बच जाती है फिर हम संदीप सर को देख लेते हैं। अलग सी है आपकी कहानी। आई एम श्योर संदीप भाई आने वाले टाइम में कोई ना कोई मूवी बनेगी आपकी इस लव स्टोरी पे। मुझे मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि कब होगा वो। नहीं बहुत मुझे लग रहा है, मैं खुद मैनिफेस्टेशन में बहुत विश्वास रखता हूँ। हमने सोचा था कि हम यहाँ पर आएंगे, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या बात। और इस सोच में ये सच है, ये बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ इस टॉपिक से, बट मैं रात को बड़ा थोड़ा सा हताश बैठा हुआ था, अपना चैनल देख रहा था, ये वीर को सुला रही थी, और मैं देख रहा था यार चैनल पे हमारे उतना ट्रैक्शन नहीं आ रहा जितना मुझे लगता है कि आना चाहिए करके। तो संदीप भाई का मैं एक वीडियो देख रहा था और यही एक इंटरव्यू देख रहा था और अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। मेरे दिमाग में आया कि यार हमें यहाँ पे आके बैठना चाहिए संदीप भाई के पास जाके, जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, जस्ट टू फील हिज एनर्जी एंड जस्ट टू बी इन दिस। क्या करें, मैंने अगले दिन टीम को बोला, मैं कहा भाई कॉन्टैक्ट करो भाई को, तो उनका फोन आया, कहते सर उन्होंने तो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है हमें कोई कॉन्टैक्ट ना करे। अरे मैं कहा भगवान फिर कैसे आए आपके दर्शन। तो हमने कहा भाई अब हम हताश बैठ गए, हमने कहा ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे फैंस बोल रहे हैं जाओ जाओ, मैं कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया हम बैठे। दो दिन के अंदर अंदर हमारे कॉमन फैन ने मैसेज किया कि जी मैं संदीप भाई के शो पे जा चुका हूँ, आपको भी जाना चाहिए। हमारी टीम ने पकड़ लिया उसको, हमने कहा हाँ बताओ कैसे। हमारे तो भाई जो लोग देख रहे हो, अगर आप लोग आना चाहते हो, कहाँ है कैमरा का है, हाँ अगर आप लोग अभी इस सेशन को देख रहे हो और आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको हमको सिर्फ एक ईमेल करना है, आपको हमको ये अरे रुको फिर से ले लो, फिर से ले लो यार, मजे ले लो बोलने, हाँ हो जाएगा लेकिन बोलने तो दो, बोलने तो दो। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको किसी कॉमन फैन की जरूरत नहीं है, वैसे हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो आप हमको ईमेल करिए meet@sandeepmaheshwari.com पे, दैट इज meet@sandeepmaheshwari.com पे, और हमारी टीम इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करेगी, फिर हम यहाँ पर मिलेंगे। अब कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके चैनल का नाम है कपल ऑफ थिंग्स, तो मुझे देखना है, एक बार चेक करना है कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है। अभी मैंने नया नया कुछ सीखा है, उसको मेंटलिज्म बोलते हैं। तो अभी जब मैं कहूंगा तो आप दोनों अपनी आंखें बंद करेंगे, कुछ सोचेंगे और वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो आपके पास में आपका फोन है अभी नहीं, इस वक्त नहीं, अभी नहीं है, नहीं है आपके पास में, नहीं है। मेरा फोन किसी के पास में है, आप दे दो। नया नया सीखा है कुछ ही दिन हुए, ट्राई कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर अच्छा आ गया तो रख लेंगे, नहीं तो एडिट कर देंगे। एडिट जिंदाबाद, एडिट जिंदाबाद, एडिटिंग बहुत अच्छी चीज होती है। अब आप इनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे, कोई गाना सोचेंगे। अच्छा। जो आज से पहले पब्लिक में आपने किसी को नहीं बताया है।
ठीक है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ठीक है जी। अब आप दोनों अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और आप अपने मन में इमेजिन करिए कि जब आप पहली बार मिले थे, जैसे आपने बताया स्टूडियो में मिले थे, हाँ, अपने फेस पे आप कोशिश करिएगा मेरे को कोई हिंट मत देना, नहीं तो मैं बड़ी जल्दी पकड़ लूंगा। आप दोनों साथ में बैठे हुए हो, आपका वो जो सेशन है वो खत्म हो गया है, आपने बताया था 3 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे खत्म हुआ था, तो 9 बज चुके हैं। अब आप वो गाना अपने मन ही मन इनके लिए गा रहे हो। आई डिड समथिंग ऑलरेडी, गाना यहां पर प्ले हो चुका है। ओके, बिल्कुल आराम से वॉइस में बोलिएगा और मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि हाँ आपके मोबाइल फोन में ना कोई वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जहां से हो गया, तो मैं नहीं बोलूंगा। ये बिल्कुल हल्की आवाज में गाएंगे भी नहीं, विस्पर करोगे आप। और विस्परिंग में जैसे आप बता दोगे, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बात बिगड़ जाए, मतलब और धीरे, जब कोई बात बिगड़ जाए, व्हाटएवर, ऐसे करके आवाज पलट के, ताकि वो वॉइस रिकग्निशन में भी पकड़ में ना आए। ये जो 1% डाउट होता है ना लोगों का, वो भी मैं निकालना चाहता हूँ। तो क्योंकि आपने बोला था ना कि वो खिचड़ी खा के अब जाने वाली है, तो मेरे दिमाग में जो गाना था वो था, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। चेक करके देखना एक बार। आवाज तेज करो, आवाज तेज करो। My God! Oh my God! Super, super, super! हमारे दिल में भी इस वक्त आपके साथ बैठ के यही चल रहा है कि अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के।